तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल 5G है और आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, 4G नेटवर्क आ रहा है, तो आप उसे 5G में कैसे चेंज करेंगे, जो सेटिंग है आप सेटिंग कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने जियो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, आप 395 रुपये में 84 दिन अनलिमिटेड 5G यूज कर पाएंगे, कॉलिंग वॉलिंग सब फ्री, जो 800 रुपये का रिचार्ज है आपको 400 के अंदर मिल जाएगा। हमने वीडियो बनाई हुई, जाके आप देख लेना, एयरटेल की एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं यह तरीका यूज करके आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे फोन में 4G नेटवर्क आप देख सकते हैं, 4G नेटवर्क है। तो अभी हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड कितनी आ रही है, उसके बाद 5G चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद चेक करेंगे स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ 7 से 8 MB तक गया, उसके बाद में रुक गया 9 MB, ठीक है 10 MB मान के चलो। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं सेटिंग कैसे करनी है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे फोन में 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है 5G नेटवर्क आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेटिंग पर क्लिक करना है और किस तरह से एक्टिवेट करना है, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो जाके देख लेना, एक्टिवेट कर लेना। अगर आप यहाँ से 5G में स्विच भी कर लेते हैं तब भी आपका अनलिमिटेड नहीं चलेगा, बल्कि आपको जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपका एयरटेल है तो आपको माई एयरटेल में, अगर आपका जियो है तो आपको माई जियो में, अगर VI है तो VI एप्लीकेशन में जाके एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे करना है आप जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो आपका सिम कार्ड है उसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका नंबर दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क टाइप में आपको जाना है, यहाँ से आपको 5G सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है 5G सेलेक्ट करना। अगर आप 4G सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका 5G नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ से नहीं सेलेक्ट किया हूँ। आपको सिंपली एक एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है, एप्लीकेशन कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5G सेटिंग, तो इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है, सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सिम कार्ड नंबर है, फोन नंबर है, सब कुछ आ चुका है, तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मैं ओनली NR सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, नेटवर्क टाइप में ओनली NR सेलेक्ट किया हूँ। आपका रहेगा यहाँ पर NR, LT, GSM, WCDMA, यह रहेगा। तो यहाँ से आपको ओनली NR कर लेना है। अगर आप ओनली NR करेंगे तो सिर्फ 5G आएगा, 4G का नाम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है 5G ही आएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके फोन में 5G आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है, आप देख लेना 4G था, जैसे मैं क्लिक करता हूँ 5G ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए स्पीड कितनी मिल रही है, ठीक है। तो हम ओखला में जाते हैं, जहां पर मैंने आपको दिखाया था वहीं पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। मेरे हिसाब से जाना चाहिए यार, अच्छा खासा कनेक्ट हो जा, 100 200, मेरा 500 तक जाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि एक खुटी कम है, घर में हूँ मैं, रूम में हूँ, एक खुटी कम है, मेरा 500 तक जाता है। इधर देखो 200 250 250 के आसपास जाएगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, और मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, वहाँ पर 500 550 600 तक गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अगर आपके मोबाइल में 4G आ रहा है, 5G में शिफ्ट करना चाहते हैं, सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।